रह रहकर जया की करुण सिसकियों से अस्पताल के कॉरिडोर का सन्नाटा भंग हो रहा था। जया बेटे मोहित के कंधे पर सिर टिकाए बेसुध सी बैठी थी। आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बह रही थी। किसी के पास कोई शब्द नहीं थे उन्हें चुप कराने या ढाढ़स दिलाने के लिए। होते भी कैसे, अभी अभी आईसीयू से उनके पति अजय की आखिरी सांस लेने की खबर आई थी। शादी के 22 वर्ष ही बीते थे, कहां तो अजय शादी की 25वीं सालगिरह मनाने के सपने संजो रहे थे, और अचानक ये संकट की घड़ी आ गई। अजय जया की सहमति से ही तो सब कुछ करते थे, अभी तो समय आया था बेटे के भविष्य संवारने का। बेटा मात्र 18 साल का था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, अभी 2 साल बाकी थे पढ़ाई पूरी होने में। शादी ब्याह निपटाकर दोनों चैन से जीवन की सांदे बेला का आनंद उठाते, परंतु अचानक अजय की बीमारी ने सारे सपने चकनाचूर कर दिए। अजय को अभी रिटायर होने में काफी समय था, छुट्टियों में तीनों कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते। अजय कॉलेज में प्रोफेसर थे, जया उस जमाने में एमए बीएड कर चुकी थी, लेकिन अजय नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी नौकरी करे। जया ने घर गृहस्थी ही संभाल ली थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उनकी सिसकियां अचानक थम गई जब नर्स ने अजय के पार्थिव शरीर को आईसीयू से लाने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने की सूचना दी। जया अपने शरीर को लगभग घसीटती हुई मोहित के साथ वहां पहुंच गई। अजय के निर्जीव शरीर को देखकर आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दबी हुई सिसकियां रुदन में बदल गईं। किसी तरह से उनको वहां से हटाया गया। रास्ते में घर की ओर आते वक्त मोहित को यही लग रहा था कि मम्मी को किसी निर्जन स्थान पर छोड़ दूं, जहां वो भी जी भर के चीख चीख कर रोकर अपना सारा दुख निकाल सकती। पर यह संभव नहीं था। ये सोचकर ही मोहित ने माँ का हाथ जोर से पकड़ लिया। दबी हुई सिसकियां अब तीव्रतर होती जा रही थी। किसी तरह जया को मोहित और उनके भाई बहनों ने समझाया बुझाया, परंतु कब किसी के समझाने से कोई समझा है, अपने ही तर्कों से समझ पाता है। जया को लगा था अब जीवन का कोई मायना नहीं रह गया है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें मोहित के लिए अपने आप को सामान्य रखना पड़ा। घंटों चुपके चुपके आंसू बहाती रहती। जया मोहित से बार बार शादी करने को कहती, पर ना जाने क्यों वह टाल मटोल करता रहता। अगले दिन मोहित ने ऑफिस जाने से पहले जया को बताया, मम्मी शाम को मेरी एक फ्रेंड आएगी, कुछ अच्छा बना दीजिएगा। जया खुश हो गई, दोपहर से ही खाने की तैयारी में जुट गई। शाम के 7 बजे बेल बजते ही खोलने को दौड़ी। मोहित की फ्रेंड रितु आते ही उनके पैरों की तरफ आशीर्वाद के लिए झुक गई। मोहित ने बताया कि रितु उसके साथ ही काम करती है। जया ने उसे गले लगा लिया। वह पूरे घर में चहकती फिर रही थी, सारे समय जया के साथ ही रही। बहुत दिनों बाद जया को लगा कि रितु के आने से जैसे खुशबू का एक झोंका सा आया और उनके मन को सराबोर करके रख दिया। बड़े प्यार से रितु ने एक एक खाने की तारीफ की। 9:30 बजे मोहित उसको छोड़ने गया। मोहित के वापस आने पर जया ने मोहित से पूछा, रितु तो बहुत अच्छी लड़की है, इसी से शादी कर लो ना। मोहित ने माँ की तरफ शरारत से मुस्कुराते हुए देखा और बोला, अगर आपको पसंद है तो यही ठीक है। जया खुश हो गई। कुछ ही महीनों के बाद दोनों की शादी हो गई। शुरू के कुछ दिन तो बड़ी खुशी खुशी बीते, परंतु 2 साल बाद कुछ दिनों से जया को लग रहा था कि किसी बात पर इन दोनों का झगड़ा चल रहा है। एक दिन जब वह किचन में थी, तभी उनकी बातचीत के कुछ अंश उनके कानों में पिघलते शीशे की तरह पड़े। रितु मोहित से कह रही थी, तुम कंपनी से मिलने वाले घर क्यों नहीं चलते, मुझे यहाँ घुटन होती है। तुम्हारी मम्मी हर वक्त मेरे पीछे पीछे लगी रहती है, तुम्हारे रिश्तेदारों का रोज रोज आना जाना लगा रहता है, हमारी अपनी तो कोई प्राइवेसी नहीं है इस घर में, मुझे यहाँ नहीं रहना है। जया को अपने ऊपर ही ग्लानी हो आई। सोचने लगी, मैं तो उसका ख्याल रखना चाहती थी, पर ये क्या हो गया। दूसरे दिन वह तबीयत खराब होने का बहाना करके बिस्तर में ही पड़ी रही। नाश्ते के समय मोहित तैयार होकर मम्मी मम्मी करता हुआ जब कमरे से निकल कर आया तो देखा कि नाश्ते की टेबल खाली थी, मम्मी सो रही है। भागा हुआ मम्मी के पास गया। मम्मी आज नाश्ता नहीं बनाया क्या। जया उठी और बोली, नहीं आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मोहित परेशान होते हुए बोला, दवा खाई। जया ने कहा, नहीं। अजय तुरंत बिस्किट और क्रोसिन ले आया। जया की इच्छा नहीं थी, फिर भी वो उठी, दवा खा ली। मोहित बोला, मम्मी आप आराम करिए, हम ऑफिस में ही कुछ खा लेंगे।
शाम को डॉक्टर को दिखा देंगे। शाम को जब मोहित आया तब उसने डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा। जया ने कहा, नहीं अब मैं ठीक हूँ। एक हफ्ते तक सब कुछ सामान्य ही था, पर ऋतु अनमनी सी ही दिखती। लगता था उनका झगड़ा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एक दिन फिर ऋतु को कहते हुए सुना, तुम्हें यहाँ रहना है तो खुशी खुशी रहो, मैं नहीं रह सकती। एक दिन मोहित के ऑफिस के आने के बाद जया ने कहा, मोहित तुम्हारी कंपनी वाले जो फ्लैट देने वाले थे उसका क्या हुआ? मोहित ने अचकचाकर माँ की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम चाहती हो कि हम उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं? तब जया ने निर्णायक स्वर में कहा, हाँ बजाय इसके कि ऋतु ही ये घर छोड़कर चली जाए, तुम दोनों अपने घर में शिफ्ट हो जाओ। मोहित ने कहा, माँ मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। जया ने कहा, नहीं मोहित, मैं अकेली कहाँ हूँ, रिश्तेदारों का आना जाना लगा ही रहता है। तुम्हारे जब जी में आए चले आना, मैं अकेली रह लूंगी। मोहित की आंखों में आंसू आ गए। जया ने समझाया, बेटा जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब की बात और थी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कलह हो। मोहित और ऋतु अपने नए फ्लैट में शिफ्टिंग की तैयारी में लग गए। नए घर में आकर ऋतु बहुत खुश थी, लेकिन मोहित हर शनिवार को माँ के पास आ जाता और सीधे सोमवार को ऑफिस जाता। इस फ्लैट में आए 6 महीने बीत गए थे। ऋतु को लगने लगा उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ ने उसे पिछले 2 सालों में सारी जिम्मेदारियों से मुक्त रखा था। क्या खाना है बस यही बताना होता था। वह तो बेफिक्र होकर ऑफिस जाती और घर आकर अपनी थकान उतारती। ये घर अपना था पर उसके पास समय नहीं था, वे काम ही समेटती रह जाती। एक दिन ऋतु ने उसके शनिवार को माँ के पास जाकर रहने की बात को लेकर नाराजगी जाहिर करी। तब मोहित ने कहा, ऋतु तुम्हारे कहने से मैं शिफ्ट हो गया, पर मैं अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ सकता। पापा के जाने के बाद मैंने माँ को तिल तिल कर मरते देखा है। तुम खुश रहो इसलिए माँ ने भी हमें आने की इजाजत दे दी, अब मुझसे मेरी ये खुशी मत छीनो। ऋतु की पलके शर्म से झुक गई। वे सोच रही थी कि उस घर में तो मोहित कम से कम साथ था, यहाँ आकर तो वो पास रहते हुए भी मुझसे दूर चला गया। दूसरे दिन सुबह बिना मोहित को बताए ऋतु जया के पास पहुँच गई और जया से लिपट कर रोते हुए माफी मांगने लगी। ऋतु बोली, माँ मैं दूसरों के बहकावे में आ गई थी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं आपकी बेटी बनकर रहूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, दूर रहकर मुझे परिवार का महत्व समझ आ गया है। मुझे एहसास हो गया है कि माँ बेटे का रिश्ता अटूट होता है, घर में बड़ों का रहना कितना जरूरी है, मैं अकेली नहीं संभाल सकती। मोहित बहुत बदल गया है, हमें इस घर में आने की इजाजत दे दीजिए। जया ने उसके गालों पर बहते आए आंसुओं को पोंछकर प्यार से उसे गले लगा लिया और बोली, ऋतु ये घर पहले भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है, तुम लोगों को इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे दिन ही ऋतु मोहित के साथ अपने घर में आ गई। जैसे लगा जया की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आईं।